सो गाइज, यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आप लिरिक्स वेबसाइट में पोस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, वो कि कॉपी पेस्ट करके आप बढ़िया आसानी से लिरिक्स वेबसाइट पे पोस्ट ऐड कर सकते हैं और कमाल के लिरिक्स वेबसाइट बना सकते हैं गाइज। ओके, तो लिरिक्स वेबसाइट बनाना नहीं जानते तो अभी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं गाइज। मैं आई बटन है उस पर भी क्लिक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो ध्यान से देखिए गाइस। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि कैसे आप बड़ी आसानी से आपकी लिरिक्स वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स कर सकते, गूगल पेज पर ला सकते हैं वन या सेकंड नंबर पे, फर्स्ट या सेकंड नंबर के गाइस। यह वीडियो ध्यान से देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये वीडियो देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे कर दीजिए सब्सक्राइब। साइड की दिए घंटी के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐसे कमाल के वीडियोस आप देख सकेंगे गाइस। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, इस वीडियो को हम कर देते हैं स्टार्ट। वेलकम टू इमेज क्रिएटर चैनल, आप सभी का स्वागत है इमेज क्रिएटर चैनल पे। मेरा नाम महेश और यह जानकारी आपको सब डिटेल्स के साथ इस वीडियो में दिखाई देगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को कर देते हैं हम स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है अपने ब्लॉगर साइट पे और blogger.com डाल के आप अपने पेज को साइनिंग कर लीजिए। मैंने पहले से ही ये पेज साइनिंग कर लिया गाइस, और यहाँ पे इस पोस्ट को मैं आपको गूगल रैंकिंग में लाकर दिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल इंडेक्स कर सकते हैं गाइस। सिंपल सी ये ट्रिक है, वीडियो ध्यान से देखिए। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे गाइस यहाँ पे इस पेज पे आ जाते हैं तो हमें कुछ टूल्स का यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे उस टूल का यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपने वन साइड में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा गाइस। इस सेटिंग के ऑप्शन पे हमें कर देना है क्लिक गाइस। जैसे इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 साइज में यहाँ पे आपको सर्च प्रेफरेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे इस सेटिंग पे हमें क्लिक कर देना है गाइस। यहाँ पे इस सेटिंग पे आने के बाद हमें यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज कर लेना है गाइस। ये काफ़ी कमाल का ऑप्शन है यार, गूगल सर्च कंसोल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इस साइड से आपको गूगल को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पोस्ट अपलोड किए और यहाँ पे इस पोस्ट को आप लोगों को दिखाएं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के जरिए आप अपने पोस्ट को गूगल के साइड पे ला सकते हैं गाइस। यहाँ पे कुछ सेटिंग कर लेनी है, तो चलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए हमें क्या क्या करना है, वो सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे गूगल सर्च कर्सर का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है गाइस। यहाँ पे क्या करना है ध्यान देखिए, यहाँ पे जाना है आपको एडिट का ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा गाइस। यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे कर देते क्लिक गाइस। एक बात का ध्यान रखिए, अपने लिरिक्स साइड को पूरा एसईओ कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो काफ़ी कमाल का है। उस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं गाइस। जैसे आप इसमें क्लिक कर देते, थोड़ी देर वेट करें, आपके सामने एक अगला पेज ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी लोडिंग प्रोसेस यहाँ पे शुरू है। ओके, यहाँ पे लोडिंग हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने पहले एक गूगल सर्च को कंसोल में मैंने अपनी वेबसाइट भी ऐड कर दी थी यहाँ पे लिरिक्स की। आप देख गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट एक lyricsmasala.online, ये लिरिक्स वेबसाइट मैंने क्रिएट की थी। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट मैंने अपलोड किए थे, उसके रैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे 190 यहाँ पे आ गए गाइज। यहाँ पे आप डेली अपडेट रहेंगे लिरिक्स वेबसाइट में तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग यहाँ पे हो जाएगी, और उसके साथ आप एक अच्छा खासा ट्रैफिक भी जनरेट कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको अपने लिरिक्स वेबसाइट पे अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। एक एक सॉन्ग में आपको अपडेट रहना होगा। ओके, तो ये बात हम रह देते साइड में और यहाँ पे बता देते कि आप अपने गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉगर साइट को कैसे ऐड कर सकते गाइस। गूगल सर्च कंसोल ओपन करने के बाद यहाँ पे साइड की 3 लाइन आपको दिखाई देगी गाइस। इस लाइन पे हमें कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ऐड कर देनी है गाइस। प्रॉपर्टी कैसे ऐड करें सभी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पे क्लिक करना है ऐड प्रॉपर्टी पे सिंपली। तो गाइस यहाँ पे आपने अपना डोमेन बाय किया है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते गाइस। ओके, यहाँ पे सब डोमेन या डोमेन आपने ले लिया, बाय किया तो ही इसमें ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप blogspot.com या अदर्स वेबसाइट URL आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने लिरिक्स वेबसाइट बना ली है, पर ये blogspot है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू ब्लॉग में क्लिक कर देता हूँ गाइस। यहाँ पे गाइस यहाँ
lyricshindistartblogspot.com ये वेबसाइट है। ओके, तो यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे इस लिंक को हमें कॉपी कर देना है। ओके, कॉपी करने के बाद हमें क्या क्या कर देना है ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आ जाने के बाद यहाँ पे URL प्रीफिक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने URL को यहाँ पे पेस्ट कर देना है गाइस। ओके, तो पेस्ट कैसे करें, यहाँ पे कंट्रोल पी दबा के आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते। ये ब्लॉगर की वेबसाइट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी गाइस। यहाँ पे ऐड करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा गाइस। यहाँ पे इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली गाइस। जैसे ही क्लिक कर देते यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये आप यहाँ से ही कर सकते हैं गाइस। आप अपने ब्लॉगर साइट में यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप ऐड करेंगे, यहाँ से एडिट करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये वेरीफाई भी हो जाएगा, क्योंकि आप अपने ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट से ब्लॉगस्पॉट साइट से यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ओके, तो अलग से आप करेंगे गूगल सर्च कंसोल डाल के तो वह प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसे ही कर दीजिए। यहाँ पे ऐसे सारी सिस्टम ऑटो वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पे गो टू प्रॉपर्टी में हमें सिंपली क्लिक कर देना है गाइस। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइट यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो गई है मेरी ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली गो इट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे गो इट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है गाइज। अभी आगे क्या करना है इसके पर ध्यान दीजिए। अगले ऑप्शन पे तरफ जाना जो है साइड मैप, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपकी एक एक लिंक की इंफॉर्मेशन गूगल को पता चले उसके लिए साइड मैप होता है गाइज। ओके, तो यहाँ पे साइड मैप के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है गाइज। ओके, यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे गाइज, यहाँ पे सबमिट करने के टाइम आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि ये यहाँ पे कुछ गलत हो गया मेरी तरफ से। यहाँ पे आपको साइड मैप XML ऐड कर देना है गाइज। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई थी, तो यहाँ पे सबमिट करें, सही तरीके से करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ गो इट पे क्लिक कर देना है गाइज। यहाँ पे ये साइड मैप आपकी वेबसाइट यहाँ पे गूगल में ऐड हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से आप अपनी ब्लॉगर को गूगल में ऐड कर सकते हैं गाइज। ओके, ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट को। ओके, तो आगे हमें क्या करते हैं उसका, उस बात का ध्यान रखें। आगे हम जानेंगे कि यहाँ पे इस लिरिक्स वेबसाइट को, इस लिरिक्स पोस्ट को, आपको उस पोस्ट को पहले दिखा देता होगा। यहाँ पे ये पोस्ट है, अभी यहाँ पे इस पोस्ट को हम कर देते एडिट। समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे परमालिंक जो आपको कस्टम लिंक पे ही क्लिक करके रखना है, तो यहाँ पे पहले से मैंने सेटअप कर दिया था, ये अभी इधर नहीं दिखा रहा है गाइस। यहाँ पे इस लिंक को हमें कॉपी कर देना है पूरा का पूरा गाइस। यहाँ पे इस लिंक को हमें कॉपी कर देता हूँ। और गाइस, अब मैं बता देता हूँ कि गूगल के पेज को कैसे इन्फॉर्म करें कि हमने पोस्ट अपलोड की है। तो यहाँ से हमें यहाँ पे इसी पेज पे फिर से आ जाना है गाइस। यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे URL इंस्पेक्शन, तो इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ आपको बताएगा कि यहाँ पे URL आपको ऐड कर देना है, तो उसी पोस्ट के URL को आपको इसे इधर पेस्ट कर देना है जैसे कि तैसा। ओके, पेस्ट करने के बाद सिंपली एंटर करें, तो एंटर करने के बाद आपके सामने ये सारा डाटा गूगल इंडेक्स के इंडेक्स में शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग कर लेनी, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ के यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो URL उसे लाइव करना है गूगल में, तो कैसे करें, यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इमेजेस आएंगे जहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देने। ओके, अगले ऑप्शन की तरफ आपको यहाँ पे ट्रैफिक का आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा गलत हो गया तो ये ऑटोमेटिकली प्लीज ड्रैगन पे आ जाता है। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स को हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है कहाँ पे किस इमेज पे, तो यहाँ पे चार इमेज आपको ऐड सिलेक्ट कर देनी है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है गाइस। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सबमिटिंग रिक्वेस्ट, तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह से आप अपने ब्लॉगर साइट को गूगल में इंडेक्स कर सकते हैं, ब्लॉगर पोस्ट को गूगल में इंडेक्स कर सकते हैं गाइस। ओके,
सुबह जिस तरह से आप बड़ी आसानी से लिरिक्स वेबसाइट को इस गूगल सर्च कंसोल में ला सकते हैं गाइस। ओके, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप कर सकते हैं लाइक। कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम का कमेंट बॉक्स है ना नीचे, कमेंट कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को कर दीजिए छोटा सा लाइक, क्योंकि इससे आ जाता है मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन। और मेरे छोटे से ट्रिक्स, जो मेरे पर्सनल वीडियोज होते हैं, मेरे सभी सीक्रेट्स आपको कमेंट के द्वारा मिल जाएंगे गाइज, तो कमेंट जरूर करना। ओके, तो गाइज इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पे आ जाते हैं गाइज, मेरे पर्सनल वीडियो जो है वहाँ पे यहाँ पे आपको शो करेंगे इस चैनल पे गाइज। यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड के दिए घंटी के ऑप्शन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूले गाइज। ये काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हैं आप, घंटी के ऑप्शन पे क्लिक करें, ऐसी कमाल के वीडियोस आप देख सकेंगे गाइस फ्री में। ओके, ब्लॉगिंग के बहुत सारे वीडियोस भी आगे आने वाले और साइड टेक्निकल वीडियोस भी आगे आपको दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ पे और भी डे बाय डे हम चेंज करेंगे चैनल में, तो वो भी आपको दिखाई देगा और कई सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे और ढेर सारे वीडियोस इस चैनल पे आ जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को आप कर सकते हैं लाइक और इस चैनल को कर सकते हैं आप सब्सक्राइब। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।